हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत स्टूडेंट्स टॉपिक हम लोग आज स्टडी किया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट्स मेथड प्रैक्टिसेस एंड अदर्स। मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इसके मेन्स क्या यूजेज हैं, क्या इसका उपयोग है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसा इसका प्रिंसिपल है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग बिल्कुल पॉइंट वाइज डिस्कस किया जाएगा। फिर लेटर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में वन बाय वन करके इसके बारे में और जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। तो जैसा कि आपको सिंपल सा आपके स्क्रीन पर दिया हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग। क्या कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, इकोलॉजिकल फार्मिंग इसको कहा जाता है, और या फिर तो बायोलॉजिकल फार्मिंग भी इसी को कहा जाता है। तो शायद दो नाम, तीन नाम हुए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इकोलॉजिकल फार्मिंग, अब बायोलॉजिकल फार्मिंग। ये एक एग्रीकल्चरल सिस्टम है। डिफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, बिल्कुल ध्यान समझिएगा ना, आसानी समझ आएगा कि इट इज एन एग्रीकल्चरल सिस्टम। ये एक कृषि की प्रक्रिया है दैट एम्फेसाइज, क्या जो क्या करती है, एम्फेसाइज करती है सस्टेनेबल प्रैक्टिस। मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया जो कि बिल्कुल अच्छी हो, जो मेंटेन रखे हमारे फसल को, उसके बाद हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी, हमारे सॉयल को बचा के रखे, हमारे जो मतलब जो जितना भी हमारे पास रिसोर्सेस है ना, उन सभी को मेंटेन रखे, एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, और जो इकोलॉजी है उसको भी बैलेंस करके चले। यहाँ पर कुछ की कॉन्सेप्ट की पॉइंट दिए गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती की वह प्रक्रिया है, वह तरीका है जो क्या करती है, आपको बिना किसी केमिकल्स का यूज करके खेती करने की सलाह देती है, जो कि क्या करेगा, आपके इकोलॉजी को बैलेंस रखेगा और उसके साथ आपके जो प्रक्रिया है उसको सस्टेनेबलाइज करेगा। मतलब कि एक परंपरागत कृषि करेगा, एकदम बिल्कुल अच्छा कृषि करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके ओरिजिन और प्रिंसिपल की थोड़ा सा बात करें बिल्कुल शॉर्ट में, तो इसका जो ओरिजिन है स्टूडेंट्स, यह क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाज डेवलप इन अर्ली 1900, मतलब 1900 में इसको देखा गया, किसके द्वारा, सर एल्बर्ट हॉवर्ड, एफ एच किंग एंड रुदर रुडोल्फ स्टेनर के द्वारा। ये कुछ मतलब कि जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, इन्होंने के द्वारा इसको, इस एग्रीकल्चर को मतलब कि बहुत ज्यादा ऊपर लाया गया। दीज पोनियर्स बिलीव दैट प्रैक्टिस सच एज क्रॉप रोटेशन, इनके द्वारा सोचा गया है, बिलीव माना गया कि कुछ प्रक्रियाएं जैसे क्रॉप रोटेशन या फिर कंपोस्टिंग या फिर बायोलॉजिकल बेस्ड पेस्ट कंट्रोल, ये क्या कर सकता है, लीड कर सकता है बेटर फार्मिंग सिस्टम को। इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व इन इंडिया, भारत के जो परंपरागत कृषियां थी, कृषि की प्रक्रियाएं थी, उससे हॉवर्ड में उससे सीख करके जा करके वेस्ट मतलब कि पश्चिमी देशों में इसकी शुरुआत की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस, इसको कैसे किया जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है ना, रिलाई करता है, निर्भर करता है इकोलॉजिकली बेस्ड पेस्ट कंट्रोल, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर मतलब जैविक खाद पर, एनिमल मैन्योर, क्या एनिमल मैन्योर मतलब जानवरों का जो खाद है उससे, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर क्रॉप, कुछ क्रॉप्स होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उन सबसे। कुछ टेक्निक है जैसे कि क्रॉप रोटेशन, कंपेनियन प्लांटिंग, कंपोस्ट मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, बोन मील, इन सब का यूज करके, अनलाइक कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, जैसा अब लोग आपका एग्रीकल्चर उसको छोड़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करेंगे, मिनिमाइज केमिकल इनपुट्स, केमिकल का उपयोग कम करके ज्यादातर प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर ही निर्भर रहेंगे, फोकस करेंगे। इससे अगर हम लोग बात करें इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की, कि इन्वायरमेंट को क्या बेनिफिट होता है, तो स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट को जो बेनिफिट्स होने वाला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से ना, रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज, क्या पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा ह्यूमन हेल्थ या फिर एनिमल हेल्थ को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। क्यों, क्योंकि आज हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज करके ना, अपने को, खुद हम लोग और उसके साथ साथ
सारे जानवरों को भी एक बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में ला के छोड़ दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये इन्वायरमेंट के लिए हमारे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट है स्टूडेंट सॉयल कंजर्वेशन, क्या मृदा का संरक्षण। अगर क्या जैसे ना हम लोग केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज कम करें ना, हमारे सॉयल में ना इरोजन जो होता है वो ना होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा स्टूडेंट्स इससे जो लॉस होने वाले हैं ना वो लॉसेस से बच जा सकता है। अगला है स्टूडेंट नाइट्रेट लीचिंग रिडक्शन। कुछ खाद जो यूज करना है उससे नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट उठता है, अमोनिया गैस निकलती है, तो कुछ जो नाइट्रेट जो है रन ऑफ कर रहा है ग्राउंड वाटर के साथ, सरफेस वाटर के साथ, तो वो लीचिंग नहीं हो पाएगा और उसकी में कमी आएगी। एंड अ लास्ट वेस्ट रिसाइकलिंग, क्या इन्वायरमेंट बेनिफिट्स में क्या है, क्योंकि जितना वेस्ट होना ना उसको रिसाइकलिंग होता जाएगा। जैसे क्या कि एनिमल ने एक्सक्रेटा किया, FIM प्रोड्यूस किया जानवरों के द्वारा, गोबर खाद है या फिर तो कोई भी है, तो वो क्या होगा उससे उसे हम लोग रिसाइकल करेंगे, फार्म में डालेंगे, उससे हमारे प्लांट यूज करेगा, तो उससे क्या होगा एक रिसाइकल साइकिलिंग बनता जाएगा और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है चैलेंजेज एंड ट्रेड ऑफ, इसमें क्या चैलेंजेज हैं और क्या ट्रेड ऑफ दिक्कतें आ रही हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि चैलेंजेस की बात करें तो व्हाइल ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना ऑफर करता है इन्वायरमेंट के बेनिफिट्स को, इट कम्स विथ ट्रेड ऑफ, जैसे कि हाइयर फूड कॉस्ट। कुछ दिक्कतें आ रही हैं कि इसका जो अगर हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करते हैं ना तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा महंगा आने लगता है। एंड सेकेंड पॉइंट जो है स्टूडेंट्स इसका वो है लोअर यील्ड, क्या कि मतलब जो हम लोग यील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो अपेक्षा 25% कम यील्ड होता है। एंड नेक्स्ट वन इज बैलेंसिंग इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, इन्वायरमेंटल को बेनिफिट्स को बैलेंस करने में ना स्टूडेंट्स हमारे जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस को फिट करने की एक चैलेंज आ जा रहा है कि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो भोजन कैसे देंगे। ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट दिक्कतें आ रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें अपने यूज लाने में। जैसे इन समरी हम लोग बात करें समरी की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इकोलॉजिकल हेल्थ एंड मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड नेचर। मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना ये आपके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देता है, आपके इकोलॉजिकल हेल्थ को सुरक्षित रखता है, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा प्रकृति और कृषि के अंतर क्या करता है रिलेशनशिप बनाता है, जिससे कि क्या होगा आपका जो कृषि है वो प्रकृति के साथ मिलता रहेगा और जुड़ा रहेगा, और जो आपका प्रोडक्शन होने वाला है वो बिल्कुल ही क्लीन और डिजीज फ्री या फिर तो बोले तो टॉक्सिक फ्री होगा, जिससे क्या हो सकता है कि आपके जो हेल्थ है हेल्थ पर कोई इशू नहीं आएगा और जो कई प्रकार की रोग या दिक्कतें आ रही है वो सभी नहीं होंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, हम लोग मिला जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.